जी नमस्कार मित्रों, हम लोग मुगलकालीन प्रशासन के विषय में अध्ययन कर रहे थे। तो मुगल साम्राज्य का किस प्रकार से विभाजन होता है उसकी चर्चा हमने किया था, और इसके साथ साथ केंद्रीय स्तर पर जो सरकार कैसे काम करती थी उसकी चर्चा किया था, और प्रमुख अधिकारियों के विषय में भी हम लोगों ने बातों को शेयर किया था। ठीक है, अब इसके द्वारा अब हम आते हैं उसके बाद प्रांतीय प्रशासन कैसा था, जिले का प्रशासन किस प्रकार से किया जाता था मुगल साम्राज्य में, परगने का प्रशासन और ग्राम का प्रशासन कैसा था। ठीक है, तो आज हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद आप लोग देखिएगा कि साम्राज्य जो था, साम्राज्य का विभाजन किसमें था। ये मान लीजिए कि साम्राज्य इसका विभाजन किसपे था, प्रांत में। ठीक, प्रांत को शूबा कहा जाता था, प्रांत को शूबा कहा जाता था। प्रांत की जो प्रमुख होते थे वो प्रमुख जो है इसके प्रमुख वो शूबेदार कहलाते थे, शूबेदार, नाजिम। ठीक है, नायब, और उसके बाद नाजिम ए शूबा, इसको जो शब्द दिया जाता था नाजिम ए शूबा, शिपाह शालार, यानी कि प्रांत का जो प्रमुख होता था वो शूबेदार कहलाता था, नाजिम कहलाता था, शिपाह शालार कहलाता था, या नाजिम ए शूबा कहलाता था प्रांत के। इसके साथ साथ ये प्रमुख था, और इसके बाद जो प्रमुख अधिकारी इसके होते थे उन अधिकारियों में देखे कि वो अधिकारी एक होता था दीवान, उसको प्रांतीय दीवान कहा जाता था, और दूसरा प्रमुख अधिकारी होता था बख्शी। ठीक, यह बख्शी जो है सैन्य विभाग का, प्रांतों के जो सैन्य संचालन थी उस सैन्य विभाग का उसका प्रमुख होता था, वो बख्शी कहलाता था। इसके बाद एक अधिकारी यहाँ पर और होता था शद्र, यानी कि धार्मिक मामलों में कार्य करने वाला प्रांतों में प्रमुख अधिकारी वो शद्र कहलाता था। ठीक है, और इसके साथ शद्र के साथ जो है एक अधिकारी आपका था काजी ए शूबा। जैसे कि मुगल साम्राज्य की जब केंद्रीय हम स्थिति को देखते हैं, उसके सरकार के काम करने के तरीके देखते हैं, करीब करीब उसी का प्रतिरूप आपको प्रांतों में भी दिखाई देता है। जैसे वहाँ पर सम्राट प्रमुख होता था, यानी कि जो बादशाह होता वो प्रमुख होता था, तो बादशाह वहाँ प्रमुख होता था, यहाँ सूबेदार प्रमुख होने लगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ आप देखते हैं कि वजीर, वकील या दीवान का पद वहाँ पर था, और ये यहाँ पर प्रांतीय दीवान होने लगा। वहाँ पर मीर बख्शी होता था सैन्य विभाग का प्रमुख, यहाँ पर बख्शी कहलाता था, प्रांतीय बख्शी जो होता था वो बख्शी कहलाता था। वहाँ पर सद्र उस सुदूर कहते थे जो धर्म के प्रधान के धर्म धार्मिक विभाग का जो प्रमुख होता था उसे सद्र उस सुदूर कहा जाता था, यहाँ पर वह सद्र के नाम से जाना जाता है। वहाँ जो न्याय विभाग का प्रमुख होता था वह काजी उल कुजात के नाम से जाना जाता था, यहाँ काजी ये शुबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं करीब करीब जो केंद्रीय शासन व्यवस्था थी उसी के प्रतिरूप में प्रांतीय शासन व्यवस्था यहाँ पर। अब प्रांतों के अगर एक क्रम से हम उसके अधिकारियों की चर्चा करें तो सूबेदार, शिपाशालार, उसके बाद दीवान। दीवान की नियुक्ति जो है पहली बार, प्रांतीय दीवान की नियुक्ति पहली बार 1586 में अकबर ने किया था। ठीक है, और उसके बाद आपका बख्शी, और उसके बाद आपका शद्र, और शद्र के बाद काजी शूबा। ठीक है, ये प्रमुख अधिकारी प्रांतों में होते थे। ये एक बात और आपको बता दूं, मीर बख्शी और प्रांतीय बख्शी में क्या अंतर होता था।
मीर बख्शी और प्रांति बख्शी में ये अंतर ये होता था कि मीर बख्शी सैनिकों के वेतन देने वाला अधिकारी नहीं होता था, यानी कि वेतना अधिकारी सैनिकों का मीर बख्शी नहीं होता था। वह वेतन सिर्फ तब प्रदान करता था जब युद्ध का संचालन कर रहा हो, यानी कि युद्ध चल रहा हो तब सैनिकों को वेतन मीर बख्शी देता था। ये ध्यान रखिएगा, मीर बख्शी, ठीक। और जब युद्ध ना चल रहा हो उस समय सैनिकों का वेतन जो है दीवाने तन देता था, दीवाने तन नामक अधिकारी देता था। लेकिन प्रांति बख्शी जो है वो वेतना अधिकारी भी था, यानी कि वह हमेशा सदैव जो है सैनिकों को प्रांतियों की सेना के लिए सैनिकों के लिए वह वेतन सदैव देता था। यानी कि प्रांति बख्शी, प्रांतीय बख्शी वो क्या था, वो वेतना अधिकारी भी था, वेतना अधिकारी, ठीक। बस मीर बख्शी और प्रांति बख्शी में ये अंतर था। और पहली बार जो है दीवान की नियुक्ति 1586 में यहाँ पर प्रांतों में किसने किया, अकबर ने किया था। ये तो मेरा प्रांतीय प्रशासन हो गया। प्रांत के बाद आप हम जिले में जब आते हैं, जिले को सरकार कहा जाता था, प्रांत के बाद आपका जो है वह जिला, जिला क्या कहलाता था, सरकार। अब सरकार के अधिकारियों का क्रम देख लीजिए, कौन कौन से सरकार में प्रमुख अधिकारी थे। एक अधिकारी आपका फौजदार, जो सरकार का प्रमुख अधिकारी होता था, या शांति व्यवस्था और मतलब लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कार्यों का संचालन करता था, वो फौजदार कहलाता था। उसके बाद दूसरा आपका अधिकारी था अमल गुजार, अमल, यह जो है यहाँ हम देख शांति व्यवस्था कायम रखते, शांति व्यवस्था, और यह जो है आपका वित्त और राजस्व से संबंधित अधिकारी था, वित्त एवं राजस्व से संबंधित अधिकारी कौन था, वो अमल गुजार कहलाता था। इसके बाद आपका एक अधिकारी आपका वितक्ची, यह प्रमुख मतलब सरकार का लेखाकार रहता था, लेखाकार का काम करता था। और उसके बाद सरकार में जिले में एक अधिकारी खजानदार होता था, खजानदार, यह जो है कोषाधिकारी होता था, कोषा। और यहाँ पर न्याय से संबंधित कार्य जो है काजी, ये सरकार करता था, काजी ये आपके जिले से संबंधित प्रमुख अधिकारी थे। फौजदार शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था का संरक्षक था, अमल गुजार वित्त और राजस्व से संबंधित बातें देखता था, वितक्षी जो है वो लेखा कार्य की भूमिका में रहता था, खजानदार वह प्रमुख कोषाधिकारी था, और काजी ये सरकार जो है यह न्याय प्रशासन से संबंधित अधिकारी, न्याय प्रशासन। ये आपका प्रांतों के बाद क्या हो गया, जिले में शासन व्यवस्था जो चलती थी। अब हम जिले के बाद आते हैं तहसील, जिसे परगना कहा जाता था, तहसील को जी, अभिलाषा जी, जी सर, हमने कहा कि आपको मैं जल्दी तो नहीं इसको मिटा दे रहा हूँ, सर हम तो लिख लिए हैं, लिख ले रही हैं और बाकी का पता नहीं, हाँ हम लिखे हैं, शेष लोग भी जरा बता दें, क्योंकि हमको लगा कि कहीं हम इसको जल्दी हटा तो नहीं दिए। शीतल जी, जी सर लिख लिए, अच्छा चलिए ठीक है फिर। ये आपका काजी, ये
सरकार, यानी कि अब परगने का प्रशासन कैसा रहता था? परगना, ठीक है, परगने को क्या कहा जाता था? तहसील। इसमें जो प्रमुख अधिकारी था, जरा देखिए, वहां जिले में फौजदार कहलाता था, जो शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था का संरक्षक होता था, और यहाँ वो क्या कहलाता था? सिकदार कहलाता था। सिक या कानून एवं शांति का संरक्षक, वहां क्या था? फौजदार था, यहाँ क्या है? सिकदार हो गया। और वित्त और राजस्व से संबंधित जो कार्य जिले में अमल गुजार करता था, यहाँ पर परगने में आमिल कहन, आमिल, ठीक है, यह वित्त एवं राजस्व, ठीक है। इसके साथ साथ आपका कारकुन और कानून गो, कानून, ठीक है, कानून को जो है वह क्या था? भू राजस्व से संबंधित आंकड़े रखता था, भू राजस्व से संबंधित आंकड़े, ठीक है। और कारकुन का क्या काम करता था? वह भी एक तरीके से अन्य लिपिकीय कार्य, लिपिकीय कार्य करता था। ये प्रमुख अधिकारी आपके परगने के हो गए, ठीक है। अब मुगल साम्राज्य का जो सबसे निम्न इकाई थी वो थी ग्राम, ठीक है। ग्राम इकाई में ग्राम का जो प्रमुख होता था उसे चौधरी, खूत या मुकद्दम के नाम से जाना जाता था, जो मुखिया होता था ग्राम, ठीक। इसका जो प्रमुख होता था वहां चौधरी, खूत या मुकद्दम के नाम से जाना जाता था। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो भू राजस्व की पद्धति थी मुगल प्रशासन में, वह जो एक मिली जुली व्यवस्था थी, यानी कि जो हमारे यहाँ की भारतीय पद्धति उसके साथ साथ जो है वो विदेशी तत्वों का भी मिश्रण यहाँ पे रहता था भू राजस्व के क्षेत्र में, देखते हैं, ठीक है। तो हम अब प्रशासन को बस यहीं तक लेके चलेंगे, उसके बाद भू राजस्व प्रशासन हम अलग उसको पढ़ाएंगे कि भू राजस्व प्रशासन किस प्रकार से यहाँ पे संचालित होता था। अब हमने प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन किया, एक और यहाँ पर इकाई का प्रयोग मिलता है, वह आपका शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में एक अन्य प्रशासनिक इकाई थी चकला, क्या नाम था? चकला। यह प्रशासनिक इकाई जो है जिले और परगने के बीच में, परगने के बीच में यह प्रशासनिक इकाई रहती थी चकला, किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में, और इसका उल्लेख और कहीं हमको नहीं मिलता, लेकिन जिले और परगने के बीच में चकला नामक एक प्रशासनिक इकाई का गठन शाहजहां ने किया था, और यह कई परगनों का, मतलब कई परगने इसके अंतर्गत आते थे, ठीक है, जैसे कि 4-5 परगने मिलाकर एक चकला इसका देखभाल करता था। इस तरीके से एक चकले नामक इकाई का हमको पता चलता है। अब हम भू राजस्व उसमें प्रशासनिक व्यवस्था के क्षेत्र में साम्राज्य, साम्राज्य के बाद प्रांत, प्रांत के बाद जिला, जिला के बाद परगना, परगना के बाद ग्राम, इसी जिले और परगने के बीच में एक चकला नामक इकाई, इसके प्रमुख अधिकारियों की चर्चा भी हमने आपसे कर लिया है, ठीक है। अब हम मुगल साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था को देखते हैं कि सैन्य व्यवस्था कैसे संचालित होती थी। सैन्य, आपने देखा है कि मुगल काल में जो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था वो मीर बख्शी कहलाता था, सल्तनत में क्या कहलाता था जो प्रमुख उसका है? दीवाने आरिज, वो विभाग का नाम था, ठीक। यहाँ क्या था? मीर बख्शी, ठीक है। अब सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख के रूप में मीर बख्शी, मीर
सेना रहती थी वो मुख्यतः चार भागों में बटी थी। जो यहाँ पे सेना, एक सेना जो है आपकी किसकी रहती थी, अधीनस्थ सरदारों की, अधीनस्थ शासकों की सेना, शासकों की, ठीक। एक सेना ये रहती थी, दूसरी सेना इसकी रहती थी मनसबदारों की, मनसबदारों की, और सेना एक रहती थी अहदी, और एक सेना रहती थी दाखिल, दाखिल। अहदी को नियमित सेना कहते थे, नियमित सेना, और दाखिली को पूरक सेना कहते थे, पूरक। ये सैन्य का विभाजन था, ठीक है। सैन्य विभाग का प्रमुख आपका मीर बख्शी, और अधीनस्थ शासक यानी कि जो मुगल साम्राज्य के सम्राट की या उसके बादशाह की अधीनता स्वीकार कर लेते थे, जो अन्य राज्य उनकी सेना भी मुगल के कार्यों के लिए प्रयोग की जाती थी, इसलिए अधीनस्थ शासकों की सेना हो गई। मनसबदारों की सेना, अभी हम मनसबदारी व्यवस्था आपको पढ़ाएंगे कि किस तरीके से मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारों पर आश्रित थी, कैसे टिकी हुई थी, ठीक है। एक मनसबदारों की सेना हो गई, और फिर अहदी सेना जो है वो नियमित जो सेना रहती थी मुगल साम्राज्य की वो अहदी कहलाती थी, और दाखिली सेना जिसका समय समय पर उसको उसकी भर्ती की जाती थी और पूरक सेना के रूप में होती थी वह दाखिली सेना कहलाती थी, ठीक है। अब देखते हैं सेना का जो स्वरूप था, उस स्वरूप के अंतर्गत पैदल सैनिक थे, घुड़सवार सैनिक थे, और हाथियों की सेना थी। उसके साथ साथ सेना में तोपखाना एक विभाग था, ठीक है। नौ सेना का उल्लेख यहाँ पर मुगल साम्राज्य के उत्तरार्ध में जाके मिलता औरंगजेब के शासनकाल, ठीक है। क्योंकि यह पूरी की पूरी मुगल साम्राज्य जो है वो थल मार्ग से आई हुई, और उसका जो पूरा शासन व्यवस्था था वो कहीं भी समंदर से या समुद्र से अटैच नहीं था, इसलिए नौसेना का उल्लेख वहाँ मिलता नहीं है। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में जब वो दक्षिण भारत का विजय करता है, ठीक है, तो उसको इसकी आवश्यकता महसूस होती है, तो उस समय नौसेना का गठन हुआ। इसके पहले अकबर के शासनकाल में जब वो गुजरात गया था, ठीक है, गुजरात गया था और पहली बार समुद्र का दर्शन उसे हुआ था, तो वहाँ भी उसको नौसेना के महसूस हुई, उसकी आवश्यकता उसको महसूस हुई थी। कहाँ पर? गुजरात जब आक्रमण किया था, कब? 1572-73 में, ठीक है। लेकिन उसने एक नवाड़ा नामक विभाग का गठन तो किया था, लेकिन वो नौसेना का प्रारूप खींच नहीं पाया था, मतलब पूरी तरीके से उसको नक्शे पर नहीं ले आ पाया था, इसलिए नौसेना का उल्लेख यहाँ पर अकबर के शासनकाल तक नहीं होता, जहांगीर के शासनकाल तक नहीं होता, शाहजहां में भी नहीं होता, औरंगजेब में जब जाते हैं तब नौसेना का उल्लेख मुगल साम्राज्य में हमको दिखाई देता है। इसलिए सैनिक जो थे वो पैदल थे, घुड़सवार से संबंधित थे, और हाथियों से संबंधित सैनिक थे, और इसके साथ साथ एक तोपखाना का विभाग था। अब जरा देखिए, जो पैदल सैनिक थे, पैदल सैनिक के दो भाग थे। एक को कहा जाता था अहशाम, अहशाम। दूसरा जो सैनिक था वो शेह बंदी कहलाता था, शेह बंदी, ठीक। अहशाम जो है वो नियमित पैदल सेना थी, जो जिसकी भर्ती हमेशा के लिए की जाती थी वह अहशाम कहलाती थी, ठीक है। इनको सरकार की तरफ से शस्त्र दिए जाते थे, वेतन नियमित रूप से दिए जाते थे इनको, जितने शस्त्र में तलवार और बंदूक से लेकर सब कुछ इनको प्रदान किया जाता है, यानी नियमित रूप से जो सैनिक थे वो अहशाम कहलाते थे, ठीक है। और शेह बंदी जो है वह एक पूरक सैनिक के रूप में कभी कभी जब भर्ती होती थी, ठीक है, तो इनको सेहबंदी कहा जाता था। ये जब राजस्व की वसूली की जाती थी तो उस राजस्व वसूली में इनका उपयोग किया जाता था सेहबंदी का, और दूसरे प्रांतों पर अधिकार करने के लिए, क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए यह अहशाम सेना का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये पैदल के दो भाग आप देख लीजिएगा, अहशाम और सेहबंदी। इसी के साथ साथ जब हम
घुड़सवार सेना का उल्लेख करते हैं तो उसके भी दो पार्ट थे, घुड़ सवार सेना। ठीक, घुड़सवार सेना के जो दो पार्ट होते हैं वो एक पार्ट कहलाता है बरगीर, बरगीर, और दूसरा पार्ट कहलाता है शिलेदार, शिले। ठीक है, इसी तरीके से जैसे पैदल सेना में अहसाम था उसी तरीके से घुड़सवार सेना में बरगीर था, यानी कि यह नियमित सैनिक के रूप में रहते थे, इनको राज्य की तरफ से सारी व्यवस्था मुहैया कराई जाती थी और शिलेदार को स्वयं काफी चीजें ले आनी पड़ती थी। ठीक है, इसलिए यह जो है बरगीर और शिलेदार दो भागों में बटे। ठीक है, आप कभी ध्यान आए या कभी प्रश्न आ सकता है कि अहसाम किस प्रकार के सेना से संबंधित थी, अहसाम और शिलेबंदी जो है सेहबंदी जो है वो पैदल सैनिकों से संबंधित थी और बरगीर और शिलेदार जो है वो घुड़सवार सेना से संबंधित थी। हाथियों का जो विभाग था, जो हस्तसेना थी, उसका प्रमुख पीलखाना विभाग करता था, पीलखाना। ठीक है, यह हाथियों का, हाथियों की सेना का संरक्षक, सेना का संरक्षक। ठीक, ये हमारे सैनिक हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था और प्रशासन जो है, एक नवीन शब्द आपको मिलेगा मनसबदारी, मनसबदारी व्यवस्था इस पर आधारित थी। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि सल्तनत काल में इकता की व्यवस्था थी, ठीक है, इकता प्रदान किया जाता था लोगों को, वहाँ के जो अमीर वर्ग के लोग थे उनको कुछ क्षेत्र प्रदान किया जाता था, उस पर वह भू राजस्व से संबंधित प्रशासन का अधिकार प्रदान किया जाता था, इसी प्रकार से एक व्यवस्था यहाँ पर मनसबदारी व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था वो मध्य एशिया में, मध्य एशिया में यह व्यवस्था प्रचलित थी और इसे जो है वो मंगोल और मंगोल प्लस तुर्कों ने इसे वहाँ पर वो चलन में थी मनसबदारी व्यवस्था, वहीं से इस व्यवस्था का प्रारूप ग्रहण किया गया था और यह व्यवस्था पहली बार 1567 में अकबर के समय में लागू की गई। ठीक है, इस मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदार क्या होते थे, जब राज्य के प्रमुख अधिकारियों को वेतन के बदले, देखिए वहाँ वेतन दो प्रकार से दिया जाता था, एक जो है नगद के रूप में दिया जाता था, एक जागीर के रूप में दिया जाता था। ठीक है, जब उनको वेतन नगद ना देकर जागीर के रूप में दिया जाता था तो वो मनसबदार कहलाते थे। ठीक है, वो मनसबदार कहलाते थे और जो कर्मचारी या अधिकारी जिनको नगद वेतन दिया जाता था अधिकारियों को और सरकार के वो कार्य करते थे वो रोजिंदार कहलाते थे, यानी कि जागीर के रूप में वेतन पाने वाले, जागीर के रूप में, ठीक है, वो मनसबदार कहलाते थे, मनसब, और नगद जो पाते थे, नगद पाने वाले वेतन, वह रोजिंदार कहलाते थे, रोजिंदार कहलाते। ठीक है, इसको सर्वप्रथम लागू करने का श्रेय जो है अकबर को प्राप्त है। इसमें मनसब क्या होता था, मनसब किसी कोई वर्ग का प्रतीक नहीं था, मनसब एक पद का जो है पद का भी प्रतीक नहीं था, मनसब एक श्रेणी थी। ठीक है, मनसब जैसे किसी को जब प्रदान किया जाता था वो कोई पद नहीं होता था, ठीक है, वह केवल एक श्रेणी के रूप में उसको प्रदान किया जाता था, यानी कि उसको नगद वेतन ना देकर उस क्षेत्र का प्रशासन का अधिकार नहीं, केवल भू राजस्व वसूल करने का अधिकार उसको मिलता था, इसलिए वह जो है मनसबदार कहलाता था। मनसबदार की तीन श्रेणियां थी। ठीक है, एक श्रेणी ये थी, मनसबदार अकबर के समय, जहांगीर के समय, औरंगजेब के समय वो प्रदान जो किया जाता था
औरंग अकबर के समय में 10 मिनिमम 10 से लेकर 10,000 तक के मनसब दिए जाते थे, ठीक है। जहांगीर के समय वो मनसब की संख्या बढ़कर आपके 30,000 तक पहुंच गई, ठीक है। और औरंगजेब के समय तक मनसब की संख्या जो है जो दिए जाते थे वो 50,000 का मनसब प्रदान किया जाता था, ये मनसब वहां पर। अब इस मनसब में जरा देखिए कि परिवर्तन कैसे कैसे समय के साथ आया, ठीक है। पहला जो था जो 10 से लेकर 2,500 तक के मनसब प्रदान किए जाते थे उनको पाने वालों को मनसबदार कहा जाता था, मनसबदार कहा जाता, ठीक है। 2,500 से लेकर 10 से लेकर 500 और 500 से लेकर जो 2,500 तक मनसब प्रदान किया जाता था उसे अमीर कहा जाने लगा था, अमीर। और इसके बाद जो है 2,500 से लेकर 2,500 से ऊपर के जो मनसब प्रदान किए जाते थे उनको अमीर ए उम्दा कहा जाता था, अमीर ए उम्दा, ठीक है। यानी कि मनसबदार में भी पद के मनसब के अनुरूप पद चेंज होते गए। जो 10 से लेकर 500 तक प्राप्त करते थे वो मनसबदार कहलाते थे, 500 से लेकर 2,500 तक प्राप्त करते थे वो अमीर कहलाते थे, और 2,500 के ऊपर जो प्राप्त करते थे उसे अमीर ए उम्दा कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए 1596 में मनसबदारी व्यवस्था में एक परिवर्तन आया, ये आप टाइम जरा नोट करिएगा, 1596 यानी कि इसके शासनकाल के 40वें वर्ष मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार पद का उल्लेख किया गया। जात पद उसके वेतन का निर्धारण करता था और सवार पद उस मनसबदार में शामिल सवारों की संख्या का निर्धारण करता था, ठीक है। यह जात और सवार कब हुआ था? 1596 में अकबर के समय में, ठीक है। अब जात और सवार के पद के अनुसार जो है वो मनसब दिया जाता था, इसमें भी 3 श्रेणियां होती। जो प्रथम प्रकार की प्रथम श्रेणी कहलाती थी उसमें था कि जब जात पद और सवार पद बराबर होते थे तो वह प्रथम श्रेणी के मनसबदार कहलाते थे। यानी कि अगर हम किसी को 10,000 जात और 10,000 सवार का मनसब प्रदान किए तो वह प्रथम श्रेणी का मनसबदार कहलाएगा। अगर किसी को मान लीजिए 5,000 जात और 5,000 सवार का मनसब प्रदान किए तो वह क्या कहलाएगा? प्रथम श्रेणी का मनसब। यानी कि जब जात पद और सवार पद बराबर रहते थे तो वह प्रथम श्रेणी का मनसबदार कहलाता था, ठीक है। जात पद मैंने आपको बताया था कि यह इसके वेतन का निर्धारण करता था और यह सवार पद उसके सवार की संख्या को निर्धारण करता था, घुड़सवार की संख्या। अगर द्वितीय श्रेणी का मनसबदार क्या कहलाता था? सेकंड द्वितीय श्रेणी, ठीक है। जब जात पद जब सवार पद जात पद के आधे से अधिक हो, उसके बराबर ना हो लेकिन आधे से अधिक हो, तब वह द्वितीय श्रेणी का मनसबदार कहलाता था। जैसे अगर मैं आपको बताऊं 5,000 का जात किसी को प्रदान किया गया तो सवार की संख्या इसकी आधा कितना हुआ? 2,500। 2,500 के अलावा इसके 3,000 हमने कर दिए, 3,000, ठीक है। यानी कि 5,000 से कम लेकिन आधे से अधिक, तो वह द्वितीय श्रेणी का मनसबदार कहलाता था। तृतीय श्रेणी का मनसबदार कौन होता था? तृतीय श्रेणी का मनसबदार जब सवार पद जात पद के आधे से कम हो तो वह तृतीय श्रेणी का मनसबदार कहलाता था। जैसे कि अगर 5,000 का जात पद दिया गया और सवार पद 2,000 का दिया गया, 2,000, तो ये क्या कहलाएगा? तृतीय श्रेणी का मनसबदार कहलाएगा, ठीक है। ये आपको मनसबदारी व्यवस्था में। अब मनसबदारी व्यवस्था में समय के साथ परिवर्तन कैसे होता गया जरा देखें। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए इसको। अच्छा,
देखिए प्रथम श्रेणी का मनसबदार वो कहलाता था। पहली बात तो जात और सवार पद को आप समझ लीजिए। जात पद उसके वेतन का निर्धारण करता था और सवार उसके घुड़सवारों की संख्या का निर्धारण करता था। ठीक है, जात पद और सवार पद अगर बराबर हो, ठीक है, जैसे 30,000 जात पद और 30,000 सवार पद अगर हो जाए तो वह प्रथम श्रेणी का मनसबदार, 15,000 जात पद 15,000 सवार पद वह प्रथम श्रेणी का मनसबदार, 5,000 जात पद 5,000 सवार पद वह प्रथम श्रेणी का मनसबदार। ठीक है, लेकिन सवार पद यदि जात पद के आधे से अधिक हो, उसके बराबर ना हो, आधे से अधिक हो, तो वह द्वितीय श्रेणी का मनसबदार कहलाता था। जैसे मैंने उदाहरण दिया, 10,000 अगर जात पद है तो 10,000 का आधा क्या होगा, 5,000। 5,000 से अधिक अगर सवार पद हो और 10,000 से कम हो तो वह क्या होगा, द्वितीय श्रेणी का मनसबदार कहलाता है। जैसे कि 10,000 और 8,000, 10,000 और 7,000, 10,000 और 6,000, 10,000 और 9,000, ये सब क्या कहलाएंगे, द्वितीय श्रेणी के मनसबदार कहलाएंगे। तृतीय श्रेणी का मनसबदार वो होता था जिसका सवार पद जात पद के आधे से कम होता था। यानी कि अगर 10,000 का मैंने जात पद दिया तो सवार उसके 4,000 हो, मतलब 5,000 से कम हो, 3,000 हो, 2,000 हो, तो वो क्या कहलाते थे, तृतीय श्रेणी का मनसबदार कहलाता था। ठीक है, अब जहांगीर के समय में इस व्यवस्था में एक परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ये हुआ, इसने दो अश्पा, सिंह अश्पा, एक अश्पा और निम्न अश्पा, इस प्रणाली का प्रयोग मनसबदारों के साथ किया। ठीक है, अब जरा देख ले, दो अश्पा क्या है, एक अश्पा क्या है, निम्न अश्पा क्या है और सिंह अश्पा क्या है, कहां पे, किसके समय में, जहांगीर के समय में। ठीक, इसने क्या प्रयोग किया, एक प्रयोग किया दो अश्पा, ठीक, एक दूसरा है सिंह अश्पा, ठीक, एक तीसरा है एक यक अश्पा और एक और है निम्न अश्पा। इसका अर्थ जरा देख लें क्या है, यानी कि जब जात पद, देखिए अकबर के शासनकाल में क्या होता था कि जात सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था, सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ क्या किया कि जब सवार जो है किसी भी मनसबदार को दो अश्पा अगर प्रदान किया जाता था, यानी कि वह अपने जात पद से सवार मतलब घोड़े को दुगना कर सकता था, अपने घोड़े को दुगना रख सकता था। मान लीजिए एक मिनट के लिए कि दो अश्पा किसी को प्रदान किया गया, तो अगर उसको 3,000 घोड़ा, जैसे सवार उसका जात पद 5,000 है, 5,000, ठीक है, और 3,000 का, 5,000 अभी 3,000 का उसको सवार पद, ये जात पद है, ये सवार पद है, ठीक है, अगर उसको दो अश्पा प्रदान किया गया तो अपने घोड़े की संख्या कर क्या करेगा, 6,000 रख सकता है। ठीक है, तीन का यानी कि 3,000 अगर दिया गया है तो उसको वो दुगना घोड़ा रख सकता था, यह दो अश्पा था। सिंह अश्पा उसको कहते थे कि जब घुड़सवार की संख्या को 3 गुना बढ़ाया जाए, यानी कि अगर उसको घुड़सवार की संख्या 500 दिया गया है और सिंह अश्पा प्रदान किया गया तो घुड़सवार की संख्या 5 का 3 गुना यानी कि 1500 रख सकता है। ठीक है, एक अश्पा में क्या है कि वह जितना जात पद है और उसी की मतलब एक घोड़े रखने की व्यवस्था उसकी है, वो एक अश्पा कहलाती थी। निम्न अश्पा क्या है कि जब दो सैनिकों के बीच में एक घोड़ा रखा जाए तो वह निम्न अश्पा कहलाता था, वह निम्न अश्पा कहलाता था। ये जहांगीर के समय दो अश्पा यानी कि घुड़सवार की संख्या को 2 गुना कर देना, सिंह अश्पा घुड़सवार की संख्या को 3 गुना कर देना, एक अश्पा घुड़सवार की संख्या को 1 ही रखने देना, और निम्न अश्पा उसको कहा जाता था जब दो सैनिकों के बीच में एक घोड़े की व्यवस्था की जाए तो वह निम्न अश्पा कहलाता है। ठीक है,
अब शाहजहां के समय में एक परिवर्तन होता है इसमें, शाहजहां के समय में परिवर्तन क्या होता है? शाहजहां ने क्या किया, जैसे वेतन का निर्धारण मनसबदारों के लिए किया गया था, तो जैसे उनको 5000 का अगर जात पद दिया गया तो 5000 का भू राजस्व वसूल करने वाला जो एरिया रहता था वो उनको प्रदान किया जाता था। ठीक है, शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां ने देखा कि जो एरिया प्रदान किया जाता था यानी कि भू राजस्व का जो आकलन किया जाता था और उसको जो भू राजस्व उसको प्राप्त होता था, उन दोनों में अंतर आता था। अंतर ये होता था, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि इलाहाबाद के क्षेत्र का भू राजस्व या मनसबदारी किसी को प्रदान की गई, तो इलाहाबाद क्षेत्र की मनसबदारी अगर दी गई तो उसको हमने आकलन किया कि यहाँ से इतना उसको राजस्व प्राप्त होगा। ठीक है, तो दो शब्द यहाँ आप ध्यान रखिएगा, एक जमा और दूसरा है हासिल। ठीक है, जमा को क्या कहते हैं, अनुमानित आय, अनुमानित आय ये जमा कहलाता था। हासिल को जो है क्या कहा जाता था, वास्तविक आय, वास्तविक आय। ठीक, अब जरा ध्यान रखिएगा, हासिल को वास्तविक आय, यानी कि अगर मैंने मान लीजिए कि इलाहाबाद के राजस्व का अनुमान लगाया था कि यहाँ पर हमको 1 करोड़ रुपए का राजस्व हमें प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन जब वहाँ वास्तविक रूप में हमने देखा कि 80,000 या 80 लाख रुपए ही हमें प्राप्त हुए, तो यह क्या हुआ कि जमा और हासिल में अंतर आया। ठीक है, अब आप इसको ऐसा करिएगा, कभी कभी भूल जाएगा जमा को क्या कहते हैं, जमा को वास्तविक कहते हैं कि जमा को अनुमानित करते हैं, तो आप ऐसा करिएगा, हवा, हवा, ठीक, हा को हासिल, वा को वास्तविक, हा को हासिल और वा को वास्तविक, इसे समझ लीजिएगा कि दो चीजें, एक अनुमानित है एक वास्तविक है। ठीक है, तो हासिल किसको कहा जाता था, हवा, हा से हासिल, वा से वास्तविक, और जो जमा है वो अनुमानित आय है। ठीक है, अब इसमें अंतर आने लगा, जब अंतर आने लगा उसने कहा कि अगर उसका हासिल जो है जमा का आधा रहता है, उसका क्षेत्र का हासिल जमा का आधा रहता है तो उसको सिस माहा जागीर कहा जाता था, सिस माहा जागीर, सिस माहा जागीर का मतलब ही होता था, जागीर का मतलब होता था कि हवा मतलब हासिल बराबर क्या है, जमा बटे दो, जमा बटे हासिल जो है जमा का आधा हो तो वो क्या कहलाता था, सिस्माहा जागीर, और हासिल अगर जमा का 1/4 हो तो उसको सीमाही जागीर कहा गया, सीमाही जागीर कहा। कब, जब हासिल जो है हासिल जमा का 1/4 हो, यानी कि जमा बटे चार अगर हो तो वह सीमाही जागीर कहलाएगी, और सिस्माहा जागीर वो होती है कि जो हासिल जमा का आधा होता है वो सिस्माहा जागीर होगा। अब आपको हासिल और जमा मैंने समझा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से उसने मनसबदारों को इसके आधार पर यानी कि महीना की आय के आधार पर जागीर देना सुनिश्चित किया। ये किसने काम किया था, शाहजहां ने काम किया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब ने एक नवीन व्यवस्था लागू किया था, मशरूत, मशरूत व्यवस्था, औरंगजेब, ठीक है, कहा जाता है कि मशरूत मतलब मनसबदारी के क्षेत्र में मशरूत प्रथा किसने लागू की, तो यह होता कि जब युद्ध के क्षेत्र में
अधिक सैनिकों की आवश्यकता पड़ जाती थी, घुड़सवार की आवश्यकता पड़ जाती थी, तो वह युद्ध काल में सैनिकों की संख्या बढ़ा सकता था। इसलिए यह प्रणाली किसने किया, इसे मशरूत के रूप में जाना गया, और यह मशरूत प्रथा किसने लागू किया, औरंगजेब ने लागू किया। मनसबदारों की स्थिति ये हो गई थी कि औरंगजेब के शासनकाल तक आते आते इतने मनसब प्रदान किए गए कि क्षेत्रों की संख्या ही कम हो गई, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में उसको क्या कहा गया है कि मनसबदारों की संख्या अधिक, क्षेत्रों की संख्या अगर कम हो गई, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा गया, बेजागिरी कहा गया, बेजागिरी कहा गया, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं बाद में कि मनसबदारी व्यवस्था जो कि मुगल साम्राज्य की रीढ़ मानी जाती थी, यही मनसबदारी व्यवस्था बाद में इसके पतन में भी सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि अधिक से अधिक संख्या में मनसब प्रदान किया जाने लगा और क्षेत्र की संख्या वही रही या कम होती गई, इसलिए यह पतन में सहायक हुई। तो ये हमारी मनसबदारी व्यवस्था थी जिसने शुरू किया था आपके अकबर ने, उसमें समय के साथ साथ जहांगीर ने, शाहजहां ने और आपके औरंगजेब ने थोड़े बहुत परिवर्तन किए थे। हाँ, ये चीज और ध्यान रखिएगा कि अकबर के शासनकाल में घोड़ों को दागने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा विकसित हुई। देखिए, घोड़ों को दागने की प्रथा इस समय सिर्फ अकबर के समय ही नहीं हुआ था, सबसे पहले घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद शेरशाह के भी समय हुआ था। अकबर के समय जो शुरू हुआ था वो 1573-74 में, ठीक है, यह अकबर के समय हुआ था। इस तरीके से उसकी सैन्य व्यवस्था का स्वरूप हमने आपको मुगल काल की बता दिया कि मुगल काल में पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, हाथी से संबंधित जो सैनिक होते थे वो होते थे। नौसेना विभाग यहाँ नहीं था, औरंगजेब के शासन काल में नौसेना विभाग का गठन हुआ, जिसको मीर जुमला ने, शाइस्ता खान ने गठन किया था, वो जंजीरा के सीदियों और मुगलाओं के सहायता से, ठीक है, जो केरल के क्षेत्र में, केरल क्या वो कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं ये सब, उनकी सहायता से नौसेना का गठन किया था। और हमने आपको बता दिया पैदल सैनिक के दो भाग, घुड़सवार सैनिक के भी दो भाग, इसके साथ साथ मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था क्या होती थी इसको भी मैंने आपको बता दिया। अधिकारियों को जब वेतन के रूप में भू राजस्व प्रदान किया, मतलब राजस्व क्षेत्र प्रदान किया जाता था, मनसबदार वो भी कहलाते थे, ठीक है, और जिनको वेतन के, वेतन नगद के रूप में दिया जाता वो रोजिंदार के रूप में जाने जाते थे। मनसबदारी में एक अश्वा, दो अश्वा, सिंह अश्वा, निम्न अश्वा का प्रयोग, मनसबदारी व्यवस्था में जात प्रथा और सवार प्रथा का प्रयोग, मनसबदारी व्यवस्था में महीना जागीर यानी कि सिसमाहा और सिमाही जागीर का प्रयोग और मशरूत का प्रयोग, ठीक है, इस चीज़ की चर्चा आज हमने आपसे की। अब मुगलकालीन प्रशासनिक ढांचा और सैन्य व्यवस्था ये खत्म हुआ है। अब मुगलकालीन आपकी प्रमुख वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य और इसके साथ साथ मुगलकालीन जो है सिक्कों का के विषय में भी, और भू राजस्व प्रशासन में कैसे कैसे प्रयोग हुआ था, ठीक है, ये चीज़ के अध्ययन हम लोग करेंगे। आज इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और जो नहीं समझ में आया होगा उसके लिए हम सदैव तत्पर हैं आपके लिए, सेवा के लिए। आप लोग हमसे सलाह मशविरा कर लीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। मेहनत से पढ़िए खूब आप लोग, और मेरे उद्देश्य, अपना उद्देश्य तो आपका है ही है, लेकिन मेरे उद्देश्य को भी सफल बनाने में आप लोग मेरा सहयोग करें, ठीक है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी शुभ रात्रियां।